नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीम इस समय न्यूजीलैंड के दौरे पर है। पहले टीम के 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकल गए थे। अब टीम को सीरीज शुरू होने से पहले एक और बड़ा झटका लग गया है। टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम इंजरी की वजह से T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड में T20I और टेस्ट सीरीज खेलनी है और 3 मैचों की T20I सीरीज से ठीक पहले पाकिस्तान को उनके कप्तान के रूप में बड़ा झटका लगा है। बाबर आजम T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं क्योंकि उनको अंगूठे में गंभीर चोट लगी है। दाएं हाथ के बल्लेबाज और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के दाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर है, इस वजह से वो T20I सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि T20 के उप कप्तान शादाब खान भी चोट से उबर रहे हैं। उप कप्तान शादाब खान कमर की चोट से परेशान हैं। उनके पहले T20 इंटरनेशनल मैच में खेलने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में टीम का कप्तान कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को रविवार सुबह अभ्यास सत्र के दौरान दाहिने अंगूठे में चोट लगी थी। विश्व के दूसरे नंबर के T20 बल्लेबाज को थ्रो डाउन सत्र के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां एक्सरे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। ऐसे में बाबर आजम कम से कम 12 दिनों तक नेट्स में उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके मायने यही है कि ऑकलैंड, हैमिल्टन और नेपियर में खेले जाने वाले 18, 20 और 22 दिसंबर के T20 इंटरनेशनल मैचों में उपलब्ध वो नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB की वेबसाइट के मुताबिक फिलहाल 18 दिसंबर को ऑकलैंड में खेले जाने वाले पहले T20 मैच के लिए शादाब खान कप्तान होंगे। अगर वो उस समय तक ठीक नहीं होते हैं तो फिर किसी अन्य विकल्प पर विचार किया जाएगा। मौजूदा समय में सरफराज अहमद भी पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा है, जो पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।